सिक्स क्लास प्रथम पांच पाठ सर्वनाम परिचय। जो शब्द संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार है। सह यानी वह, यह हम पुरलिंग में उपयोग करते हैं। सा वह, यह स्त्रीलिंग है। ततः यानी वह, यह नपुंसक लिंग है। एतत यह, तो वे दोनों। ते वे सब, ते वे दोनों। ताहा वे सब, ते वे दो। तानी वे सब, किम क्या कौन। अस्मत मैं, युष्मत तुम। आइए इन तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में प्रयोग देखें। एक वचन में पुरलिंग में सह अश्वः, वह घोड़ा। द्विवचन में तो अश्वो, वे दो घोड़े। बहुवचन में ते अश्वाहा, वे सब घोड़े। ये हो गए पुरलिंग के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब स्त्रीलिंग। सा अजा, वह बकरी। ते अजे, वे दो बकरियां। ताहा अजा, वे सब बकरियां। अब नपुंसक लिंग। तत पुष्पम, वह फूल। ते पुष्पे, वे दो फूल। ताणि पुष्पाणी, वे सब फूल। ये तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हमने एकवचन, द्विवचन और बहुवचन देखे। आगे हम देखेंगे। अब हम सर्वनाम शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में रूप जानेंगे। तत वह सर्वनाम। अब लिंग है पुल्लिंग। पुल्लिंग में विभक्ति प्रथमः एक वचन, सह वह, तो वे दो, ते वे सब, ये आपने आगे भी पढ़ा था। एतत वह सर्वनाम। किम क्या कौन सर्वनाम। अस्मत मैं सर्वनाम सभी लिंगों में समान होता है। विभक्त प्रथमा में आएगा अहम, एक वचन में द्विवचन आवाम हम दो, बहुवचन वयम हम सब। द्वितीय विभक्ति में माम मुझको, आवाम हम दो को, अस्मान हम सबको। युष्मत तुम सर्वनाम सभी लिंगों के समान है। विभक्ति प्रथमा एक वचन त्वम तुम, द्विवचन युवाम तुम दोनों, बहुवचन यूयम तुम सब। द्वितीय वचन त्वाम तुझको, युवाम तुम दो को, बहुवचन युष्मान तुम सबको। ठीक है, यहाँ पर ये विभक्ति के बारे में देखा। इसी प्रकार यहाँ पर सर्वनाम की विभक्ति बताया हमने। तत वह, इसकी विभक्ति के बारे में एतत वह सर्वनाम। लिंग पुरलिंग, विभक्ति एकवचन द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं।